नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन MK पर। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके पीजी रोहतक के बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, बीपीटी, बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के फॉर्म से वो कब रिलीज होंगे और किस वेबसाइट पे आपको फॉर्म फिल करनी है। तो सारी जानकारियाँ आपको मिलेगी और साथ ही हम आपको बताएंगे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के कितने चांसेस है और मेरिट बेस्ड एडमिशन्स के कितने चांसेस हैं। तो ऑल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने पंडित बीटी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक है, जो पीजीआई रोहतक है, उसकी वेबसाइट है, जो न्यू वेबसाइट है वो ओपन कर रखी है, जिस पे लास्ट ईयर भी एप्लीकेशन फॉर्म थे आपके पैरामेडिकल कोर्सेज के, वो इसी वेबसाइट पे फिल हुए थे। तो अगर आपके फॉर्म रिलीज होंगे तो फिल वो आपके इसी वेबसाइट पे होंगे। और ये लास्ट ईयर के जो कुछ नोटिफिकेशन उन्होंने रिलीज जो किए थे लास्ट ईयर, उसके काउंसलिंग के वो आपको शो हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही 2020 सेशंस के आपके फॉर्म रिलीज हो जाएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे। और UHSR.ac.in की जो दूसरी वेबसाइट है, मेन वेबसाइट है जो आपके पीछे रोहतक की एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, उस पर भी अपडेट आएगा और इस पर भी अपडेट आएगा। तो ये दोनों वेबसाइट को आप डेली चेक करते रहिए और जैसे ही रिलीज होंगे हम आपको ज़रूर बता देंगे। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम अकाउंट भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पर हम जैसे ही फॉर्म रिलीज होंगे आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, उसी टाइम आपको इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी और आपके फॉर्म्स हैं वो इस वेबसाइट पे रिलीज़ होंगे। इसका डिस्क्रिप्शन वेबसाइट का आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से इसका लिंक है, इसके लिंक से आप विजिट कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट को आप डेली विजिट करते रहिए। अगर हम बात करें अब एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो होगा। अगर यूनिवर्सिटी को एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाना होता तो इतना डिले नहीं करते आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। जो एवरी ईयर की बात करें, अगर हर साल आपके फॉर्म्स हैं वो पीजीआई रोहतक है वो अगस्त में रिलीज़ कर देता है फर्स्ट या सेकंड वीक में, और आपकी सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट है वो होती है। तो इस बार आवाज़ आपकी डेट 9 सितंबर हो गई है, लेकिन अभी तक आपके फॉर्म से वो रिलीज़ नहीं हुए हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमने ईमेल भी किया था पीजीआई रोहतक को, जिसका जो भी रिसेंटली ईमेल किया उसका रिप्लाई अभी तक उन्होंने नहीं दिया। लेकिन उससे पहले एक को आपको 28 अगस्त को हमने एक ईमेल किया था, उसका रिप्लाई उन्होंने दिया था और उन्होंने सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप वेबसाइट डेली विजिट करते रहिए, जल्दी हम नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन दी थी उन्होंने सिर्फ ईमेल जो रिप्लाई दिया था उसमें। उसके रिगार्डिंग हमने पूछा था कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम लेंगे या नहीं लेंगे, उसके रिगार्डिंग भी उन्होंने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है, अभी तक उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। और कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं अगर आप मोबाइल फ़ोन से कॉल करने की, तो वो बहुत ही लेस चांसेस हैं कि वो आपकी कॉल पिकअप करें। अगर पिकअप भी कर लेते हैं तो भी आपको वो जो आपका जवाब है सही जवाब आपको नहीं देते हैं कि जल्दी होगा ये होगा वो। लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अगर आपको हम बताएं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के चांसेस ज़्यादा हैं और मेरिट बेस्ड एडमिशन्स के चांसेस हैं वो बहुत ही कम है, क्योंकि अगर मेरिट बेस्ड पे एडमिशन लेने होते तो वो पीजीआई रोहतक अपने एडमिशन प्रोसेस को डिले नहीं करता। वैसे भी ज़्यादा डिले नहीं हुआ है, सिर्फ 20 से 25 डेज़ का डिले हुआ है। तो ये कोविड की वजह से हुआ है, अगर कोविड ना होता तो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आ चुकी होती इसी सेकंड वीक, इस वीक में या नेक्स्ट वीक में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट भी होती। तो एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही रिलीज़ होंगे हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे और आप ये दोनों वेबसाइट को डेली विजिट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जैसे ही कोई भी फॉर्म्स रिलीज़ होंगे हम आपको बता देंगे। और इन फॉर्म्स के रिगार्डिंग आपको अगर स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने आपको दे रखा है एक टेलीग्राम चैनल का लिंक, हम आपको देंगे वो चैनल, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर हमको इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो स्टडी मटेरियल है वो सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल है हमारा एजुकेशन MK, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के जो सैम्पल क्वेश्चंस हैं उनके जो PDF है वो मिल जाएंगे। और एक हमने वीडियो बना रखी थी लास्ट ईयर का जो पेपर है उसके ऊपर,
तो वो वीडियो आप देख लीजिए जिसमें सैंपल क्वेश्चंस दे रखे हैं। वो क्वेश्चन पेपर आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, हमारे चैनल पे हमने वो वीडियो डाली है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, उसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो यही सभी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, या आपको कोई भी किसी भी पैरामेडिकल कोर्स, फिजियोथेरेपी बीपीटी कोर्स या बीएससी नर्सिंग कोर्स के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपका आगे जो प्रोस्पेक्टस है, क्या कितनी आगे सैलरी होगी, कोई भी डाउट है आपको वो पूछ सकते हैं। और पीजी रोहतक की सीट फीस और जो प्रोस्पेक्टस है उसके रिगार्डिंग हमने एक पहले से वीडियो बना रखी है। बहुत सारी वीडियोस हैं, आपको ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक मिल जाएगा। वो प्लेलिस्ट सारी देख लीजिए, उसमें सारे कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन है आपकी, प्राइवेट कॉलेजेस में कौन से कोर्सेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में कौन से कोर्स हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप उस प्लेलिस्ट की वीडियोस देखने के बाद मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके क्वेरी का जवाब है जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। तो यही इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए इस वीडियो में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही फॉर्म रिलीज़ होंगे हम आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।